सामाजिक संगठन सर्वधर्म सेवा संस्था भिलाई द्वारा संस्था के संरक्षक सेवानिवृत्त सीएसपी वीरेन सतपति के मार्गदर्शन में संस्था का एक प्रतिनिधि मंडल संस्था के अध्यक्ष प्रतीक भोई की अगुवाई में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से मुलाकात पर प्रदेश के सभी अंग दानियों को मरणोपरांत राजकीय सम्मान से सम्मानित करने का अनुरोध करते हुए निवेदन पत्र सौंपा। संस्था द्वारा निवेदन पत्र में यह जानकारी देते हुए ये मांग की गई कि दिन पर दिन बढ़ते प्रदूषण व अनियमित दिनचर्या की वजह से अधिकांश लोगों के स्वास्थ्य में गिरावट आती जा रही है, जिसके कारण बीपी शुगर जैसी बीमारियां आम सी हो गई हैं और इन बीमारियों की वजह से मानव अंग तेजी से खराब हो रहे हैं, जिसके कारण देश में लाखों लोगों की अकाल मौतें अंगों के खराब होने से तथा अंगों के सही समय पर ना मिलने से हो रही हैं। जबकि इन अकारण व असमय मृत्यु को अंगदान जैसे महादान को ज्यादा से ज्यादा एक अभियान के द्वारा बढ़ावा देकर रोका जा सकता है। एक सर्वे के अनुसार हमारा देश अंगदान में प्रति 10 लाख में 34 लोग ही जो अंग प्रत्यारोपण में बड़ी मुश्किल से मिल रहे हैं, अन्यथा अंग प्रत्यारोपण में लाखों करोड़ रुपए लग रहे हैं, जो सामान्य व्यक्ति के लिए स्वप्न जैसा है। हमारा छत्तीसगढ़ राज्य अन्य राज्यों से अंगदान के मामले में बहुत पीछे है। वहीं तमिलनाडु व कर्नाटक जैसे राज्य अंगदान को गंभीरता से लेते हुए अंगदान दाताओं को मरणोपरांत राजकीय सम्मान से सम्मानित करने का अभूतपूर्व घोषणा की गई है, जिससे उन राज्यों में अंगदान दाताओं की आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। संस्था ने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से मिलकर उपयुक्त बातें रखी तथा संस्था द्वारा पिछले 3 वर्षों से 10,000 लोगों का अंगदान और देहदान संकल्प 2030 तक कराने के लक्ष्य को बताते हुए संस्था के प्रयास द्वारा अब तक 148 लोगों द्वारा संकल्प कराए गए परिणाम से अवगत कराया गया। इस निवेदन भेंट कार्यक्रम में संस्था के वरिष्ठ राकेश रत्नाकर, प्रकाश गावड़े, घनश्याम पांडे, नितेश मिश्रा, जीवेश उपाध्याय, रिजवान खान की उपस्थिति रही। नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक भोई है, मैं संस्था का सदस्य हूँ, वर्तमान में अध्यक्ष पद पर हूँ कार्यरत। आज हम एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर माननीय गृह मंत्री और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को एक निवेदन पत्र देने आए थे। ये समय की मांग है, ये हम अच्छे से जानते हैं कि भविष्य में जिस तरह से वर्तमान में लोगों के अंग बीमारियों की वजह से और प्रदूषण की वजह से कमज़ोर होते जा रहे हैं और ख़राब भी होते जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अंगों के अभाव में लोगों की, लाखों लोगों की मृत्यु हो रही है, उसको रोकने में हम एक प्रयास जो है संस्था के माध्यम से आज एक निवेदन के माध्यम से, निवेदन पत्र के माध्यम से गृह मंत्री को आज हमने दिया है। और हमने ये मांग की जिन्होंने भी अंग दान दिया है उनको राजकीय सम्मान से सम्मानित किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अंग दान दें और ऐसे लोगों की जान बचाए, अंगों के अभाव में ऐसे लोगों की जान बचाई जाए जो आर्थिक रूप से कमजोर है। हम सब भली बात ही जानते हैं कि प्रदूषण और अनियमित दिनचर्या के कारण दिन पर दिन बीपी शुगर जैसी जो बीमारियां समय से काफ़ी पहले मनुष्य को हो रही हैं, और उसके कारण से जो किडनी, हार्ट, लीवर वगैरह की जो बीमारियां हो रही है, और इस कारण से मनुष्य को अकारण मृत्यु, अकाल मृत्यु प्राप्त हो रही है, और इस अकाल मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए हमें अंगदान और देहदान अधिक मात्रा में अगर होंगे तो उनसे जो अंग प्राप्त होंगे तो अंग प्रत्यारोपण संभव हो पाएगा, जिसकी वजह से लोगों जो तकलीफें हो रही है उससे उनको मृत्यु से बचाया जा सकता है। और इस तरह से क्या बोलते हैं, कई जगह पे ऐसा है कि जो अंग प्रत्यारोपण पर हो रहे हैं उसमें 70 से 80 लाख रुपये इस तरह की किडनी वगैरह में काफ़ी रुपए खर्च हो जा रहे हैं, और जिनको अंग प्रत्यारोपण नहीं हो पा रहा है तो वो मृत्यु हो जा रही है उनकी। तो हम सरकार से इस बात पे निवेदन करने आए हैं कि सरकार इस तरह के अंग प्रत्यारोपण करने वालों को राजकीय सम्मान का दर्जा करे, और पूरे देश में हमारा छत्तीसगढ़ इस क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ है, और हमारे देश में तमिलनाडु और कर्नाटका जैसे राज्य हैं जो अंग दान को क्या बोलते हैं, राजकीय सम्मान देने का, राजकीय सम्मान प्रदान कर रहे हैं, तो उससे लोगों में प्रोत्साहन के वजह से अंगदान की जो संख्या है वो बढ़ेगी और लोगों को अंग प्रत्यारोपण के माध्यम से लोगों की जान बचाई जा सकती है। तो इस संबंध में हम सर्वधर्म सेवा संस्था की ओर से उप मुख्यमंत्री जी को यह ज्ञापन दिया करके उनसे अनुरोध किया गया है। धन्यवाद। एशिया न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।